नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आपने भी सुन रखा होगा कि 5 अप्रैल रात 9:09 तक आपको दीप जलाना, दीप मतलब दिया जलाना है, या मोमबत्ती जला सकते हैं या मोबाइल की फ्लैश लाइट जला सकते हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने सभी लोगों, हम सभी भारतवासी से बोला है। पिछली बार जैसा उन्होंने बोला था कि आपको थाली बजाना है, ताली बजाना है, शंख बजाना है, इस टाइप के ये पिछली बार उन्होंने बोला था। इस बार उन्होंने ये चीज़ बोली, उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं, उसके पीछे धार्मिक, सामाजिक और साइंटिफिक रीज़न होता है। ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीज़ बोल दी। उसका मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और आज भी ये जो 5 तारीख को 9:09 तक का जो उन्होंने दीप जलाने को बोला, उसके बारे में भी मैं आपको ये बताऊँगा कि उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, उसका धार्मिक रीज़न क्या है, धार्मिक कारण क्या है, और साथ ही उसका सामाजिक महत्व क्या है। इन तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके साइंटिफिक रीज़न की, क्योंकि मैं साइंटिफिक रीज़न इसलिए पहले बोल रहा हूँ। लोग अक्सर ये मानते हैं कि मोदी जी क्योंकि एक कट्टर हिंदूवादी है, इसलिए वो हिंदूवादी चीज़ों को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन मैं पहले आपको इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ क्यों ऐसा कहा गया है। इसका मेन रीज़न है लोगों को एनर्जाइज करना, यानी कि उनका जो एनर्जी लेवल कम हो गया है उसको बढ़ाना। अब आप कहेंगे एनर्जी लेवल कम क्यों हो गए भाई? तो एनर्जी लेवल कम होने का सीधा सीधा कारण ये है कि हम दिन भर एक ही एक न्यूज़ सुन रहे हैं, वहाँ पर इतने मर गए, वहाँ पर इतने संक्रमित हो गए, वहाँ पर ऐसा हो गया, दुनिया में इसी टाइप की बात हो रही है। और जब पूरे टाइम आप इस प्रकार की बात सुनेंगे तो आपका एनर्जी लेवल कम हो ही जाएगा, आपके अंदर नेगेटिविटी आ ही जाएगी। तो ये नेगेटिविटी, ये जो आपके एनर्जी लेवल कम हो रहा है, इसको बढ़ाने के लिए मोदी जी ने दीप जलाने की बात कही है। अब आप बोलोगे कि यार एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए दीप जलाने की क्या ज़रूरत है, कुछ और भी तो कर सकते थे। तो इसका भी रीज़न बता देता हूँ। और एक दीप जलाने से, 9 मिनट तक एक दीप जलाने से क्या हो जाएगा, कोई आप क्या आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे? तो ठीक है, मैं इसका भी आपको रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि आपने देखा कि जब भी कोई बड़ी बात होती है तो आप सामूहिक रूप से वो करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मस्जिदों में नमाज होती है, तो वो भी आपने देखा होगा कि बहुत लोग साथ में मिलकर करते हैं। कोई बड़ा त्यौहार होता है, हम सभी लोग साथ में मिलकर करते हैं। जैसे गिरजाघर में आपने देखा होगा, चर्च में भी देखा होगा कि आप सामूहिक तरीके से प्रार्थना करते हो, तो जो समूह में किया जाता है काम, उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से हर धर्म में सामूहिक रूप से, या कह सकते कलेक्टिव रूप से कोई भी काम को करने की बात कही है। इस वजह से अगर मान लीजिए आप हमारे देश में 130 करोड़ जो लोग हैं, वो सभी अगर ऐसा करते हैं, दीप जलाते हैं, तो उससे जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कलेक्टिव होगी। मैं एक और रीज़न बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा दो तरह के लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक कॉन्केव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो वो लेंस में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सूर्य से आने वाली रोशनी को वो एक जगह ले आते हैं, तो उससे चीज़ें जल भी जाती है, यानी कि इतना उसमें पावर हो जाता है कि वो चीज़ों को जला देता है। इट मीन्स कलेक्टिवनेस में पावर ज़्यादा होती है। इस वजह से अगर हम सभी लोग एक साथ इस काम को करेंगे तो उससे ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगी, और जब ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगी तो हम एनर्जाइज होंगे। जब हम एनर्जाइज होंगे तो हमारे अंदर का जो विल पावर है वो बढ़ेगा, और जब विल पावर बढ़ता है तो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को हम हरा सकते हैं अगर हमारे अंदर विल पावर ज़्यादा होता है। तो ये तो था इसका साइंटिफिक रीज़न। चलिए तो बात करते हैं हम धार्मिक महत्व की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी धर्मों में, लगभग सभी धर्मों में अग्नि का बहुत ही महत्व है। चाहे हम पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में, सभी जगह इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कुल मिला के अग्नि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा उससे हट के बता रहा हूँ, घी का दीपक हम जलाते हैं तो उससे जो भाप निकलती है, उससे जो धुआँ निकलती है, वो जो उसकी खुशबू होती है, वो जो उसकी महक होती है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। अब आप फिर आप ये बोलेंगे कि यार एक दीपक लगाने से वातावरण कैसे शुद्ध हो जाएगा, तो फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जब पूरे लोग ऐसा करेंगे, कलेक्टिव में पूरे लोग ऐसा करेंगे, तो उतनी ही मात्रा में वो धुआं, उतनी ही मात्रा में वो जो भाप है वो निकलेगी, और उससे सभी तरफ का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, और साथ ही वातावरण में जो वायरस है वो भी इससे नष्ट होते हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ आपको कि
अगर दीपक जलाइए कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अगर थोड़ा हवन कर सके आप तो वो और ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि हवन से निकली हुई जो धुआं होती है, हवन से निकली हुई जो गैस होती है, उससे आपके पूरे वातावरण में एक तो पॉजिटिविटी आएगी, साथ में ही वातावरण आपका शुद्ध होगा और जितने भी वायरस हैं, जितने विषाणु हैं, वो समाप्त होंगे। इस कारण से दीप जलाने का, या मैं कह रहा हूँ कि हवन करने का बहुत महत्व है। तो चलिए हम बात करते हैं अब सामाजिक महत्व की। तो आज का जो वातावरण चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है जिसमें हम सभी लोग लॉकडाउन है, तो हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कुल मिला के हमारे अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती जा रही है, या कह सकते हैं हमारा अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दीपक लेके बाहर मैदान में जाना है और सब लोग को एक साथ मिलना, नहीं। क्या होगा कि हर घर में जब आप देखेंगे, हर घर की बालकनी में जब लोग आएंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, तो उसके क्या होगा कि उससे उनकी जो अकेलापन है वो दूर होगा, पहली। दूसरी, लोगों में जुड़ाव होगा। क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट होने के लिए आपको एक माध्यम चाहिए होता है। तो मोदी जी ने आपको एक माध्यम दिया है, इससे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो। जिस प्रकार से पिछली बार आपने देखा होगा कि भारत के कोने कोने से लोगों ने वीडियो भेजा था, आपने देखा होगा कि थालियाँ लोगों ने बजाई थी, तालियाँ बजाई थी, तो लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं इससे। तो दूसरा कारण है कि आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा कि आप एनर्जी सेव कर सकते हैं। एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कहा कि आप पहले पूरे घर की लाइटें बंद कर लीजिए। अब मान लीजिए 130 करोड़ जनसंख्या है, और मान लेते हैं हम कि उसमें 100 करोड़ घर हैं, और 100 करोड़ घर में अगर लाइट बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 9 मिनट के लिए, तो आप कितनी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जरा सोचिए, इतने लोग अगर एक साथ अपने घर की लाइटें सब बंद कर लेंगे तो हो सकता है हम 2-3 महीने की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सेव कर पाएंगे। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण मोदी जी ने ये टास्क हमको दिया है। तो मैं आशा करता हूँ और साथ में अपील भी करता हूँ सभी लोग से कि मोदी जी के ये दिए गए टास्क को हम पूरी तरीके से और पूरे निष्ठा से निभाएंगे और उसको पूरा करेंगे, जिससे कि हम कोरोना से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।